हेलो दोस्तों, गोल टेक्निकस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम डार्कनेट की फाइल कैसे चेक करें कि हमारी एक्टिवेट है या इनएक्टिवेट। हमसे कई भी अली भाई बार बार यही पूछ रहे हैं कि हमें अपनी डार्कनेट की फाइल चेक करनी है कि हमारी एक्टिवेट है या इनएक्टिवेट। तो सिर्फ 1 मिनट में ही चेक कर सकते हैं हम हमारी डार्कनेट फाइल इनएक्टिवेट या एक्टिवेट है। तो वीडियो को पूरा देखें, इस वीडियो में पूरी जानकारी मिलेगी। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से करूंगा एक गुजारिश, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए इस घंटी के आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें। तो चलिए सबसे पहले हम जाएंगे गूगल में और जहाँ पर जाकर सर्च करेंगे पोर्टल UIDAI। तो हमें सबसे पहले जो लिंक दिखाई देगा हम उस लिंक को खोल लेंगे। तो हम UIDAI की साइट पर आ जाएंगे। इस साइट का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, जहाँ से आप क्लिक करके सीधे इस साइट पर आ सकते हैं। इस साइट में आने के बाद हमें जहाँ पर होम दिखाई देगा तो हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमें एक माई होम की ऑप्शन दिखाई देगी। तो हम इस पर क्लिक कर लेंगे तो हमें इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा, जहाँ पर हमसे हमारा यूजर कोड मांगेगा। यूजर कोड में हमें क्या डालना है, हमें अपनी अटैक फाइल की यूजर कोड डाल देना है और जहाँ पर हमें अपना 9058 जी कैप्चा डाल देना है, तो जनरेट एसएस कोड डाल कर देना है। अगर आपको ये मैसेज दिखाई दे, यू विल रिसीव यूअर एसएस कोड ऑन यूअर प्रेफर्ड ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड विद द एसएस सूटली। इसका मतलब क्या है दोस्तों, अगर आपकी आईडी एक्टिवेट है फिर तो आपको ये मैसेज दिखाई देगा। आपको फिर मैं बता रहा हूँ, अगर आपकी आईडी एक्टिवेट होगी फिर तो आपको ये मैसेज दिखाई देगा। अगर आपकी आईडी एक्टिवेट नहीं है फिर आपको क्या है मैसेज दिखाई देगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। फिर आपको देगा, फिर आप देखो मैं दूसरी आईडी फिल करके बता रहा हूँ आपको। इसमें अगर आपकी आईडी एक्टिवेट नहीं है तो आपको ये कोड दिखाई देगा, यूजर नोट कोड नोट फाउंड। इसका मतलब क्या है कि आपकी आईडी इनएक्टिवेट है। आपको फिर से बता दूं, अगर आपको ये कोड दिखाई देगा फिर तो आप समझ लीजिए आपकी आईडी या तो बनी नहीं है या फिर आपकी आईडी इनएक्टिवेट हो गई है। अगर आपको ये मैसेज दिखाई देगा जैसा कि ये देखिए, अगर आपको ये मैसेज दिखाई देगा ये वाला भी, आपकी ईमेल आईडी और फोन नंबर में मैसेज भेज दिया जाएगा, फिर तो आप समझ लीजिए आपकी आईडी एक्टिवेट है। अगर यूजर कोड नॉट फाउंड का मैसेज दिखाई दे फिर समझ लीजिए आपकी आईडी इनएक्टिवेट है। तो आप समझ गए होंगे कि आपको कैसे अपनी आधार की फाइल चेक करनी है कि एक्टिवेट है या इनएक्टिवेट। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक और शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा बी एल भाइयों तक इस इन्फॉर्मेशन को पहुँचाएँ। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।